मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा ही साधा और कहा कि मोदी सरकार ने ना खुद कुछ करती है ना दूसरों को करने देती है। साथ ही उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के सशर्त समर्थन करने पर भी हमला बोला है। आप नेताओं पर घोटाले की जांच पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर जुबानी हमला किया। सीएम केजरीवाल ने कहा हमें इतनी जांच की कुछ नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पूरे शराब स्कैम को झूठा बताया, कोई भी पैसा नहीं बदला गया, कुछ और नया लेकर सामने आएंगे, उन्हें बस लोगों को एजेंसियों और जांचों में उलझाए रखना है, खुद काम नहीं करेंगे और ना ही किसी दूसरे को काम करने देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडफिल साइट का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस हमारा समर्थन ना करे क्या फर्क पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली लेकिन कुछ नहीं निकला। आपने कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को सुना, पूरा शराब घोटाला झूठा पाया गया, एक पैसे का भी लेन देन नहीं हुआ, 10 सबूत मांगते रहे लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। कुछ दिनों में शराब घोटाला को बंद कर देंगे, कोई और घोटाला ले आएंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करने के साथ पंजाब में सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी का भी विरोध किया था। पंजाब पुलिस ने सुखपाल खेड़ा को 2015 के ड्रग तस्करी मामले में 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जहां से अदालत ने खेड़ा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। और हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने आ चुकी है। यहाँ पर इंडिया अलायंस में तो साथ दिखते हैं लेकिन जब धरातल पर मुद्दे होते हैं तो वहां पर ये दोनों पार्टियां साथ नहीं दिखती। अरविंद केजरीवाल अलग सुर में होते हैं और कांग्रेस के नेता अलग सुर में। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।